बहुत अच्छा गाती हो तुम। मेरे लिए गाओगी? मैं नहीं जानता कि तुम किस्मत पे विश्वास करती हो कि नहीं, मैं भी नहीं करता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि जब कुछ किस्मत में लिखा होता है ना तो ऐसी अचानक अच्छी चीजें हो जाती है। किस्मत के बारे में वो क्या जानता होगा, उसको ना तो किसी के हुनर की कद्र है और ना ही किसी लड़की की इज्जत की। मैं कल रात राहुल सब्रवाल यहाँ आया था, उसने रूपा को उसके साथ गाने का ऑफर किया और आज दिल्ली बुलाया था। मैंने रूपा को बहुत समझाया लेकिन वो आज अपनी सगाई छोड़कर भाग गई। ऑल द बेस्ट। रेडी? समय ने ये क्या किया, बदल दी है काया, तुम्हें मैंने पा लिया। ट्यून करो। नो 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 स्टॉप, एक बीट मिस कर दी आपने, दोबारा करें। जी सर जी। टेक इट अगेन, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट। समय ने ये क्या किया, बदल दी है काया। नो नो नो, This is not working. ये आवाज है ही नहीं जो मैंने सुनी थी। What's happening? आराम से, okay? Concentrate करके करो। मैं समझता हूँ कि ये सेटअप तुम्हारे लिए नया है। घबराओ मत, बेफिक्र होके आराम से गाओ। All right? क्या मैं पानी पी सकती हूँ? हाँ, पी लो पानी। समय ने ये क्या किया? नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये वो आवाज ही नहीं है। पर ये हुआ कैसे? मैं खुद जाके ढूंढ के बात करके लेकर आया हूं इसे। मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ? ये वो आवाज है ही नहीं जो इतने दिनों से मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है। ओ मैडम रुकिए। हाँ जी मैडम, किधर? ऐसे ही अंदर नहीं घुस सकती आप, परमिशन है? देखिए मेरी फ्रेंड यहाँ ऑडिशन के लिए आई है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। देखिए मैडम जी, यहाँ जो भी आती है किसी ना किसी की बहन, दोस्त या बेटी होती है, अब ऐसे ही सबको अंदर थोड़ी जाने देंगे। प्लीज वो बाहर आएंगी तो मिल लेना। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? देखिए मैडम, अगर आपको वेट करना है तो यहीं खड़े होके कीजिएगा, यहाँ से आगे मत जाइएगा प्लीज। ये क्या है राहुल, तुम इस आवाज की तारीफ कर रहे थे? आई कांट बिलीव दिस। क्या हो गया तुम्हारे टेस्ट को? हाँ बस, आई एम सॉरी, तुम्हारी आवाज में बिल्कुल कोई दम नहीं है, तुम जा सकती हो। सॉरी डैड, शायद मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। राहुल जी प्लीज मेरी बात सुनिए, आप ही ने तो कहा था कि मेरी गलती है। हम जिस आवाज को ढूंढ रहे हो तुम वो आवाज नहीं हो। हाँ पर आप तो खुद मेरे घर मुझे ढूंढते हुए आए थे और आप ही चाहते थे कि मैं आपके साथ गाऊं, क्योंकि मैं ही वो आवाज हूँ जिसकी आपको तलाश। गलती हो गई मुझसे, मैं नहीं जानता कि मुझसे कैसे हुआ। I'm sorry, तुम वो आवाज नहीं हो जो I'm sorry, I don't know. I'm sorry, I'll have you dropped. ये क्या हो गया मुझसे? I'll have you dropped. राहुल जी। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? ये लड़की, ये आवाज, ये वो है ही नहीं। क्यों इतनी उम्मीद थी, क्यों इतना यकीन था मुझे कि इतने दिनों से जिस लड़की को मेरा दिल ढूंढ रहा है वो आज मुझे यहाँ मिलेगी। सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर प्लीज। प्लीज मैम, अब आप जा सकती हैं। नहीं सर। चांदनी आए तो उसे बोलना मुझे कॉल करे। सर प्लीज प्लीज प्लीज, गो गो। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। समय ऑल द वे आगरा से यहाँ तक आई हूँ। राहुल के साथ गाना गाने के लिए पूरे देश भर से लड़कियां आई हैं। एनीवे, थैंक्स फॉर कमिंग, यू कैन गो नाउ। नहीं सर, आप नहीं समझ रहे सर, मैं अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर आई हूँ, अब मैं ऐसे वापस नहीं जा सकती। देखो जितनी तारीफ मैंने तुम्हारी सुनी थी, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आई एम सॉरी, तुम्हारी आवाज में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें मौका दिया जाए। आई थिंक और ट्रेनिंग की जरूरत है।
उपमन्यु चैटर्जी से कई साल ट्रेनिंग ली है सर। मैं क्लासिकली ट्रेन्ड हूँ। बस इतना बड़ा स्टूडियो और माइक और हेडफोन देखकर मैं घबरा गई, तो सर मेरे सुर ऊपर नीचे हो गए होंगे। बट प्लीज मेरा भरोसा कीजिए, मैं गा सकती हूँ। मैं सर बहुत अच्छा गाती हूँ। किससे ट्रेनिंग ली थी तुमने? सर पंडित उपमन्यु चैटर्जी, सर वो शास्त्रीय संगीत के बहुत जाने माने गुरु जी हैं। हाँ, तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम्हारे गुरु कैसे होंगे। है कौन ही उपमन्यु चैटर्जी? हाँ, और ऐसे लोग कब से जाने माने होने लगे? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। नाम से ही झोला छाप किस्म का गुरु लग रहा है। और तुम ऐसे आदमी से ट्रेनिंग लेकर सोचती हो कि तुम स्टार बन जाओगी? पहले अच्छे से गाना तो सीख लो ना। तो तुम्हारी आवाज में वो वजन है और ना ही गहराई। सरगम के आगे भी कभी कुछ गाया तुमने? एक बेकार टीचर ही बेकार स्टूडेंट बनाता है। और हाँ, वो पंडित उपमन्यु, ये पंडित वाली इज्जत तुम उसे खुद देती हो या वो मांगता है? क्या कहा था तुमने कि तुमने बहुत सालों तक उनसे सीखा है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे ट्रुप के बैकग्राउंड सिंगर भी तुमसे ज्यादा अच्छा गाते हैं। मेरे यहां तो तुम फेल हो, पर एक मशवरा है, आइंदा कभी भी किसी ऑडिशन के लिए जाओ तो अपने इस महान गुरु का नाम मत लेना, क्योंकि ऐसे लोगों से ट्रेनिंग लेना ट्रेनिंग ना लेने के बराबर है। मेरी जगह कोई और होता तो हंसता तुम पर। एक मशवरा है, सिंगर बनने वाली कोई बात नहीं है तुम, इसलिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर सेटल हो जाओ, फिर घर में बच्चों को बैठकर आराम से लोरी सुनाना, क्योंकि सिंगर बनने वाली कोई बात नहीं है तुम। चलिए। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे डैड यहाँ तुम्हारे डैड से मिलने आए हैं। दोनों ने सोचा जब तक वो दोनों मिल रहे हैं, हम दोनों भी मिल रहे हैं। You know, caring to know each other. Avanti, please. मेरे पास इन stupidities का बिल्कुल टाइम नहीं है। देखो, वो तो तुम्हारी शक्ल से ही दिख रहा है। अब तुम्हारा मूड खराब हो या सही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ से अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली थी, अब डैड को 2 घंटे लगेंगे तो क्या करूंगी? So obviously you'll have to bear with me. So where are we going? Long ride? तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड के घर ड्रॉप करने जा रहे हैं, उसके बाद मुझे ड्राइव पे जाने की जरूरत है। चलिए सर। But why? हम लॉन्ग ड्राइव क्यों नहीं जा सकते? मुझे माफ कर दे मानवी, मैंने सब खत्म कर दिया, सब खराब कर दिया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मानवी। मैंने अपनी इतनी बेइज्जती लाइफ में कभी नहीं करवाई। तू सही कहती थी, बहुत बुरे लोग हैं ये मानवी। मैंने बहुत गड़बड़ कर दी मानवी। नहीं रूपा, बस रो मत, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम सब ठीक कर देंगे। बस उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी आगरा वापस जाना होगा। हम एक काम करते हैं, हम टैक्सी ले लेते हैं ताकि हम सगाई से पहले आगरा पहुँच जाएं। ठीक है, तू रो मत, बस चल चल चले, सब ठीक हो जाएगा। चल, टेंशन में क्यों है तुम? परेशान लग रहे? नहीं, वो सारे मेहमान आए तो शादी की, इसीलिए वो ड्राइवर टेंशन मत ले। हाँ। शिल्पा जी, हाँ? रूपा की माँ को देखा क्या आपने? वो यही कहीं होगी, मैं देख लूंगी। दरअसल बात है कि समधी जी का फोन आया था, उनके कुछ रिश्तेदार जो बाहर से आए हुए हैं वो ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते, तो अगर सगाई जल्दी हो जाती तो तुरंत निकल जाते। आप मानवी को बोल के रूपा को तैयार करवा दीजिए ना। जाओ जाओ। रूपा, जो बुरा था वो बीत गया, अब तू उसके बारे में सोचना छोड़ और चल यहाँ से। देख, आज तेरी सगाई है और कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है, तो तू उसके बारे में सोच, आगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ले, तू खुद माँ से पूछ ले कि वहाँ सब ठीक है। हाँ माँ। मानवी बेटा, कहाँ हो तुम? वो यहाँ पे सारा प्रोग्राम चेंज हो गया है, लड़के वाले टाइम से पहले आ रहे हैं और सगाई जल्दी करना चाहते हैं।
यहाँ पे सब लोग अभी रूपा के बारे में पूछ रहे हैं। माँ रूपा मेरे साथ है, हम निकल रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से? हे भगवान, मतलब तुम्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते काफी वक्त लगेगा। यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पे नहीं हो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कैसे संभालेंगे रूपा के माँ बाप? माँ कुछ भी करके उन्हें रोको, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन हमें कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। कहना बहुत आसान है मानी, लड़के वाले 2 घंटे में यहाँ आ रहे हैं। इसे रोकने का और कोई तरीका नहीं है। पता नहीं इस बात को रूपा की माँ कैसे बर्दाश्त करेगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? माँ हम जितनी जल्दी हो सके पहुँचने की कोशिश करेंगे, बाकी हम वहीं आके देखते हैं। जी माँ। रूपा, 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 फोन उठा। हे भगवान, रात को मैंने जिस लड़की को कहते हुए सुना था वो ये नहीं थी, वो कोई और ही थी। पर ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद जाके देखा था और वो पायल, उस लड़की ने मेरी जान भी बचाई थी, पर वो ये नहीं है, वो कोई और ही है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे? तुम्हारी आवाज़ में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें मौका दिया जाए। पहले अच्छे से गाना तो सीख लो ना। तो तुम्हारी आवाज़ में वो वजन है और ना ही गहराई। आज तेरी सगाई है और कुछ ही दिनों में तेरी शादी होने वाली है, तो तू उसके बारे में सोच। यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पे नहीं हो। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, कैसे संभालेंगे रूपा के माँ बाप? मानवी, रूपा, रूपा तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? ऐसे 1 मिनट में कहाँ चली गई थी? कहाँ है तू? मैंने सब खत्म कर दिया मानवी, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अपने हाथों से सिर्फ अपनी नहीं सबकी खुशियाँ छीन ली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और इस गलती की वजह से ये रिश्ता टूट जाएगा और फिर माँ और पापा की बेइज्जती, वो ये सब नहीं झेल पाएंगे मानवी। सारे रिश्तेदारों का मजाक बनाएंगे और इस वजह से अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं। कुछ नहीं होगा रूपा, कुछ भी नहीं होगा। तू पागल मत बन, तू मेरी बात सुन। कुछ नहीं बिगड़ा रूपा, तू बेवकूफी में कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। तू कहाँ है? तू मुझे बता, तू कहाँ पे है? नहीं मानवी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया, अब इस भूल को ठीक करने का एक ही रास्ता है कि मैं। नहीं नहीं रूपा प्लीज, देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू मुझे बता दे तू कहाँ पे है। देख देख कुछ नहीं बिगड़ा, सब तेरी बात सुनेंगे रूपा, वो तेरे माँ बाप हैं, वो हमेशा तेरे साथ रहेंगे रूपा। तू मुझे बस ये बता दे तू कहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। कहाँ है तू? हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे रूपा, तू प्लीज प्लीज अपने आप को कुछ मत करना रूपा। नहीं मानवी, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। तो राहुल और उसके डैड के बारे में बिल्कुल सही कहती थी, इनसे ज्यादा खुदगर्ज लोग इस पूरी दुनिया में नहीं हो सकते। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी ही सबसे बड़ी गलती थी ये। इस फूल की कोई माफी नहीं है मानवी, ये मेरी गलती थी और मेरा फैसला। मुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। मम्मी और पापा को कहना मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और प्लीज मेरी तरफ से उन्हें सॉरी भी बोल देना। मेरी बात मान, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तूने कुछ नहीं किया है। ये सारी गलती उस राहुल की है, उस राहुल की वजह से तू ये कदम उठाने पे मजबूर हुई है। राहुल जैसे लोग कभी किसी की भावनाओं की कदर नहीं कर सकते। झूठा सपना दिखाकर उसने तुझे ये कदम उठाने पे मजबूर किया है रूपा, और इसकी वजह से तू खुद को सजा नहीं दे सकती। रूपा,
जाएंगे। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। राहुल क्या कर रहे हो? राहुल व्हाट आर यू डूइंग? लड़की को कूद गई यहाँ से। राहुल तुम उसे कैसे बचाओगे? अंकल को पता चला ना तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे। राहुल 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 ये आवाज कैसी थी? पानी 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 की आवाज। कहीं रूपा ने नदी पानी यहाँ पे एक नदी है शायद शायद वो वहीं पे होगी। रूपा हेलो ट्विंकल जल्दी से एम्बुलेंस को भेजो पुलिस को भेजो नहीं नहीं सिक्योरिटी को भेजो ब्रिज के पास। मैम 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 आप प्लीज रिलैक्स हो जाइए पहले आप बताइए क्या हुआ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ट्विंकल जल्दी से किसी को भेजो राहुल कूद गया ब्रिज से पानी में। मतलब सर ने सुसाइड कर लिया? नो ट्विंकल वो किसी लड़की को बचाने के लिए कूद गया था जल्दी से सिक्योरिटी को भेजो। ओके मैम मैं आती हूँ। ये अपनी जान दे रही थी। अगर कोई अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है तो क्या तुम ऐसी बैठे रहोगी? अगर इसको कुछ हो जाता तो इसकी फैमिली पर क्या गुजरती? ऑडिशन वाली इस लड़की को मैंने आगरा से बुलाया था ऑडिशन देने के लिए। ओह माय गॉड इसने सुसाइड करने की कोशिश की। माफ कर दो माँ बहुत बड़ी गलती। सगाई के दिन घर से भाग के ऑडिशन सब खराब नहीं करना चाहिए था बहुत बड़ी गलती मुझे माफ कर दो। आंटी इसको मैं आगरा में मिला था लेकिन लेकिन इसकी आवाज़ वो आवाज़ नहीं थी जो मैं ढूंढ रहा था। आई थिंक मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मैं नहीं जानता था कि इसकी सगाई उसने मेरी वजह से इसने सुसाइड करने की कोशिश की। आंटी क्विकली करो हॉस्पिटल। नहीं सर वेट सर आप इसे हॉस्पिटल कैसे लेके जा सकते हैं सर? मेरी गाड़ी को पैक करके यहाँ पे लेके आओ मैं डालता हूँ इसको हॉस्पिटल। नो सर प्लीज वेट आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तो भैया लकी था किसी ने आपको यहाँ पे देखा नहीं। अगर लोग आ जाते भीड़ इकट्ठा हो जाती तो पता नहीं कल का फ्रंट पेज न्यूज बन जाता सर ये। और पता नहीं वो लोग आपके बारे में क्या क्या चीजें छापते कि आपकी वजह से किसी तरफ। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। यू शुड गो फ्रॉम हियर नाउ। मैं इस हालत में से यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। सर प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर राज सर को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। और सर मैं हूँ ना मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊंगी एंड आई विल मेक श्योर कि वो ठीक हो जाए। सर आप प्लीज यहाँ से चले जाइए प्लीज। राहुल आई थिंक शी इज राइट। चलो यहाँ से। राहुल राहुल लिसन कम। मेरी वजह से यस सर मुझे हर मिनट का अपडेट चाहिए। जस्ट स्टे विद हिम। कम राहुल राहुल कम जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। जी मैम। मैं ये सोच रही थी कि तुम सुपरस्टार तो हो ही उसके साथ साथ तुम सुपरमैन भी हो। अभी इतना स्वीट इतना केयरिंग नेचर मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। कोई सुपरमैन सुपरमैन नहीं हूँ यार मैं बस थोड़ा सा इमोशनल। शायद मेरी ये प्रॉब्लम है कि किसी को मुसीबत में नहीं देख पाता मैं स्पेशली अगर उस मुसीबत में मैंने ही डाला उस इंसान को। कैन यू इमेजिन उस लड़की ने मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। मैं कुछ करना चाहता हूँ उसके लिए कुछ भी। राहुल रिलैक्स। और वैसे भी मुसीबत अगर तुम्हारी वजह से आई थी तो तुमने तो उसे बचाया ना तो इट्स ओके। और किसी चीज़ की टेंशन मत लो मैंने ट्विंकल को बोल दिया शी हैंडल एवरीथिंग। अब
चुपचाप बुद्ध बन के क्या खड़े हो? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। तुम्हें ऑर्डर थे ना हर वक्त राहुल के साथ रहने के? कहाँ है वो? सर वो अपने आप ही निकल गए, पर अब सब ठीक है, वो घर आ रहे। अब सब ठीक है मतलब? गलत क्या हुआ राहुल के साथ? अरे कुछ बोलोगे? सर वो एक लड़की को बचाने के लिए ब्रिज से कूद गए थे। What? ब्रिज? अबे तुम लोग क्या कर रहे थे? कहाँ है राहुल? वो ठीक तो है ना? Is this? Oh hell! डैड को पता चल गया। हेलो। इसी वक्त घर आओ। Right now. Okay, Dad. यह सीधा कर लेना। अगर वो यहाँ पे भी नहीं है तो कहाँ गई होगी? वो लड़की यहाँ से कूदी थी। अरे मरने का प्लान होगा, वरना कोई क्यों ऐसा करेगा? आप इसके बारे में बात कर रहे थे? कोई लड़की यहाँ नदी में कूदी थी? हाँ हाँ, थोड़ी देर पहले।